और जैसलमेर में यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ। बता दें कि 15 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा जागरूकता सप्ताह। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं पुलिस यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनके चालान काटेगी। नगरी जैसलमेर में जैसलमेर SP डॉक्टर अजय सिंह के निर्देशन के बाद अब यातायात जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है। यातायात जागरूकता सप्ताह में दुपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने के लिए और चौपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की जो है मुहिम चलाई गई है, उसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी बात कही गई है। यह पूरा जो आयोजन है वो यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया। हमारे साथ जो है सहायक पुलिस निरीक्षक हैं निश्चल केवलिया, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या कार्य योजना है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जैसलमेर शहर में दोपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट का प्रयोग करना व चौपहिया वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग करना, यह अभियान चलाया जा रहा है। 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक यह अभियान जारी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी। सभी जनता से हमारा अनुरोध है, दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें और चौपहिया वाहन चालक बेल्ट का प्रयोग करें। दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने की अपील की गई है, साथ ही चौपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन की पालना करने की भी बात कही जा रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे सप्ताह में आम जनता को किस तरीके से इस बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। जैसलमेर से इंडिया न्यूज़ के लिए रजत।